ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के अपने अकाउंट के लिए अगर आपको कभी सिग्नेचर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ जाए तो आप कुछ इस तरीके का फॉर्म को भर के अपना सिग्नेचर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। इस फॉर्म को आप चाहें तो डायरेक्ट बैंक ब्रांच से भी ले सकते हैं या फिर इसे ऑनलाइन डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। इस फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इसे प्रिंटआउट निकाल के फॉर्म भर के ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। तो चलिए फॉर्म को भरने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के नीचे यहाँ एक स्पेस दिया गया है, तो यानी जिस भी बैंक ब्रांच में आपका अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा की उसी ब्रांच का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, कुछ इस तरीके से। इतना लिखने के बाद टॉप राइट कॉर्नर में आपको डेट और प्लेस का ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले जिस तारीख को आप ये फॉर्म भर के बैंक में जमा करवाएंगे उस तारीख को आपने यहाँ पर इस फॉर्मेट में लिख देना है। उसके बाद प्लेस में आप जिस जगह से ये फॉर्म भर रहे हैं वो जनरली आपकी सिटी का ही नाम होता है, प्लेस आपको यहाँ पर लिख देना है। इतना करने के बाद कस्टमर नेम में आपने डालना है अकाउंट होल्डर का नेम, जिसके नाम पे अकाउंट है और जिस अकाउंट के लिए सिग्नेचर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशू होना है उस अकाउंट होल्डर का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद आपने डाल देना है अपना अकाउंट नंबर, यानी जो अकाउंट आप मेंटेन करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच के साथ वो अकाउंट नंबर आप यहां पर लिख देंगे जिसके लिए कि सिग्नेचर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशू करवाना चाहते हैं। उसके बाद डालनी है आपको कस्टमर आईडी। दोस्तों, ये तीनों ही डिटेल आपको आपकी बैंक पासबुक के फ्रंट पेज पे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख के बड़ी आसानी से तीनों डिटेल इस फॉर्म में भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने अपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर करवा रखा है प्रेफर कीजिएगा यहाँ पर वही मोबाइल नंबर आप लिखें, और अगर उस मोबाइल को आप फिलहाल यूज़ नहीं करते तो करंट में जो भी मोबाइल नंबर आप यूज़ करते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। इतना करने के बाद ये देखिए नीचे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको इनमें से सबसे नीचे आ जाना है, सबसे लास्ट पॉइंट दिखाई दे रहा होगा 12 नंबर पॉइंट, ये देखिए इशू सिग्नेचर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो आपको सीधा इस पर टिक कर देना है। इस तरीके से टिक करने के बाद अभी देखिए यहाँ पर पर्पस में आपके सामने एक स्पेस दिया गया है। अब यहाँ पर आपने पर्पस लिखना है कि किस पर्पस के लिए आप जो है सिग्नेचर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशू करवाना चाहते हैं, तो जो भी आपका जेन्युइन पर्पस हो वो यहाँ पर लिख दीजिएगा, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। बस आपको जेन्युइन पर्पस लिखना है जिस भी कारण के लिए आपने सिग्नेचर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर मान लीजिए कार लोन के लिए आपको ज़रूरत है तो फिर आप यहाँ पर लिख देंगे कार लोन, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है जिसके लिए भी आपको ज़रूरत है वही रीज़न या पर्पस आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। बस आपको ये दो चीज़ ही यहाँ पर फिल करनी है, एक तो टिक लगाना है और दूसरा पर्पस यहाँ पर लिख देना है। इतना करने के बाद आपने इस फॉर्म को पलट लेना है, यानी कि बैक साइड आ जाना है। बैक साइड आने के बाद ये देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, इनमें आपको किसी पर टिक नहीं करना है। सीधा नीचे देखिए केवाईसी डिटेल में आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट कहे गए हैं। सिग्नेचर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए जनरली किसी केवाईसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपको इसे ब्लैंक छोड़ देना है। लेकिन हो सकता है कि आपकी ब्रांच वेरिफिकेशन के लिए आपसे कोई आईडी वगैरह मांग ले, अगर आप आपसे मांगती है तो फिर उस केस में आपको उस आईडी का नाम बॉक्स में लिखना पड़ता है। अगर एक से ज़्यादा आईडी मांगते हैं या जो भी आईडी आप यूज़ करेंगे उन सभी आईडी का नाम आपने अलग अलग बॉक्सेस में मेंशन करना पड़ेगा। जैसे आधार कार्ड आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको लिखना पड़ेगा आधार कार्ड, ऐसे ही जो भी आईडी आप यूज़ करेंगे उसी आईडी का नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आपको इनिशियल में कुछ भी यहाँ पर फिलअप नहीं करना है, उसे खाली ही छोड़ दीजिएगा, अगर मांगे तो आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद और आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर देखिए सिग्नेचर के लिए बॉक्सेस दिए गए हैं, तो अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने हैं, यानी जिसके नाम पे अकाउंट है उसके सिग्नेचर होंगे, और अगर जॉइंट अकाउंट है एक से ज़्यादा एप्लीकेंट है तो फिर आपको अलग अलग बॉक्सेज में सभी एप्लीकेंट के सिग्नेचर यहाँ पर लेने पड़ेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर ये देखिए स्पेस दिया गया है फॉर ब्रांच यूज ओनली, तो इस स्पेस में आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है, इसमें बैंक को जो फिल करना होगा वो खुद अपने तरीके से फिल कर लेगा। बस आपको इस फॉर्म में इतना ही भरना है जो मैंने आपको बताया है। इतना भर के आप इस फॉर्म को जैसे ही जमा करवाएंगे तो आपका सिग्नेचर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बैंक की तरफ से इशू कर दिया जाएगा। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने यही नहीं इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं जिसमें आपको मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा की अलग अलग सर्विसेज के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में ट्यूटोरियल दिया है।
उन सभी वीडियोस को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। साथ ही साथ जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर नई वीडियो डालूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए।